मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है, देख लो चेकआउट करते हुए। हाँ जी, मैं अभी अपने इस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट को चेकआउट कर रहा हूँ जो कि था रमायना स्वीट्स एंड रिजॉर्ट। भाई कमाल का रिजॉर्ट था ये। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप बाली इंडोनेशिया आ रहे हो, कुटा में अगर आपका रुकने का प्लान है तो रमायना में रुक सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। बाकी अभी जल्दी से जा रहे हैं रिसेप्शन में, बट उससे पहले ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। ब्रेकफास्ट दबा के कर लो ताकि लंच का भी पैसा बच जाए। तो एक लास्ट बार देख लो अपने होटल को, ये अपना होटल है, जाओ तुम लोग जाओ वहाँ पे हमारा, तो देख लो कुछ ऐसा माहौल है। और ये हमारे रिजॉर्ट का पूल एरिया है जहाँ की मैं आया ही नहीं एक बार भी। देख लो ये अपने रिजॉर्ट का पूल एरिया है भाई, इधर आने का मौका ही नहीं मिला। काफी बढ़िया रूम सब भी है जो पूल के साथ कनेक्ट है। बाकी कुछ रील्स वगैरह बनाता हूँ फिर जाता हूँ मैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अभी पूरा घूम कर दिखाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मस्त प्रॉपर्टी है ये। अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए गाबा होटल में। हेलो, रूम नंबर 637। आज उधर तो यहाँ के ब्रेकफास्ट में क्या अच्छा रहता है ना, एक लाइव काउंटर बना हुआ रहता है नूडल्स का या फिर मैगी का, तो अपने लिए कुछ बना रहा हूँ मैं, ये पता नहीं क्या है, बढ़िया लग रहा था देख के। तो देख लो भाई यही होने वाला अपना ब्रेकफास्ट, और ये नाम का ब्रेकफास्ट रहता है, वैसे तो ये लंच ही होता है अपना। और अगर आप अपने मम्मी पापा को लेकर आ रहे हो तो देख लो कुछ ऐसे ही होने वाला है, टेंशन से ये लोग कुछ खाएंगे ही नहीं कि पता नहीं इसमें क्या मिक्स होगा क्या नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम भी है देख सकते हो आप लोग। चलो जी अपना लगेज वगैरह लेके निकल गए। चलो 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 आ गया अपना कैब वाला, आ गया क्या? तो ज़्यादा नहीं, अपने पास ये चार लगेज है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फाइनली ये वाले होटल को हम लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया होटल था। और ये मेरे को होटल का ना एरिया भी बहुत अच्छा लगा। क्यों, होटल का एरिया कैसा था? बेस्ट रुको, हमने लगा चश्मा। अरे ठीक है तुम चश्मा लगा लो ना पहले। और होटल कैसा लगा बता दो? होटल भी अच्छा था और स्टाफ भी बहुत अच्छे थे और लोकेशन तो सबसे बेस्ट लोकेशन का था। मम्मी कैसा था? अच्छा था बेटा, बहुत अच्छा। कैसा लगा रूम? रूम भी अच्छा था। और वैसे बोल रही है, व्यू भी अच्छा था। वैसे अभी बोल रही है कि ब्रेकफास्ट आज अच्छे से किए। अच्छा, और हम लोग भी ब्रेकफास्ट हम भी अच्छे से किए। मेन बात है रोज जल्दी जल्दी में ना हम लोग ढूंढ नहीं पाते थे, जो सामने दिखता था तो मन नहीं होता था खाने के लिए, इसीलिए फ्रूट खा के ही हम आ जाते थे। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे होटल और विला। तो अभी हम लोग अपने विला में जा रहे हैं, देख रहे हो यहाँ का लग्जरी। पहले हम लोग रिजॉर्ट में थे। एक्चुअली एक और चीज मैंने देखा है बाली इंडोनेशिया में, यहाँ का 4-स्टार होटल भी ना एकदम 5-स्टार वाला फील देता है आपको। अभी जिसमें थे हम लोग शायद वो 4-स्टार होटल था, फिर भी देखो हाँ फिर भी वो 5-स्टार वाला फील दे रहा था। सोचो यहाँ का 5-स्टार कैसा होगा फिर। तो यहाँ पे मेरे को अभी अपना USD एक्सचेंज करवाना है। अभी रेट देख लो ये चल रहा है इंडोनेशियन रुपया का 14,850, ये 1 USD का रेट है। तो यहाँ पे रेट तो मुझे उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, 74 का रेट मिल रहा है मेरे को USD का। अगर मैं रिटर्न करता तो देख लो 15,000 रुपया यहाँ का, मतलब ये इंडोनेशियन रुपया का रेट मिलता। चलो एक्सचेंज करवाते हैं 100। तो देख लो यहाँ पे मैंने एक्सचेंज तो करवा लिया है, कुछ ऐसा होता है इंडोनेशियन रुपया। ये देख लो 1,00,000 रुपए का नोट है यहाँ पे, 1,05,000, 10,000 का नोट, ये 5,000 का नोट है, ये 50,000 का नोट है देख लो। तो यहाँ पे मैंने $100 दिया जिसका अभी रेट शायद 80 के आसपास चल रहा है, बट मुझे रेट यहाँ पे थोड़ा कम मिला। चलो जी अभी मैंने एक्सचेंज करवा लिया USD, कम से कम 700-750 रुपए मुझे कम मिला है। एक्चुअली अभी डॉलर का रेट चल रहा है 82, अभी मैंने चेक किया मुझे मिला है लगभग 7,500 $100 का। देखा जाए तो मेरे को लगभग 8,200 मिलना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, चलेगा, बाहर हूँ तो एग्जैक्ट रेट मिलना भी मुश्किल है। बाकी हाँ ऐसा कोई कमीशन नहीं रहता है, लेकिन हाँ वही है पैसा कम ज़्यादा करके तो हो ही जाता है कमीशन। वैसे अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, कोई एक लेक है वहाँ जा रहे हैं। मेरे को लगा अभी हम लोग अपने विला में जा रहे हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी टाइम देख लो 10:30 हो रहा है और यहाँ का जितना भी रिजॉर्ट और विला होटल का चेक इन टाइम होता है ना 12 से 2 बजे का, मैक्सिमम 2 बजे ही रहता है, कोई कोई 12 बजे भी दे देते हैं, तो कम से कम 2 बजे तक वेट करना पड़ता है। तो वेट करने से अच्छा अभी हम लोग निकल गए लेक की तरफ, जिधर जाने में अपने को 3 घंटे लगने वाला है। बाकी ये भी कोई इंडियन रेस्टोरेंट लग रहा है। लेक नेम ब्रदर ब्रैटन लेक टेम्पल। तो यही लेक में जा रहा है, यहाँ का भाई प्रोनाउंस करना ना बहुत टफ है, कुछ भी बोलना होता है मैं कैमरा इनके तरफ घुमा देता हूँ यही बोल देते हैं। फाइनली मैं पहुंच गया हूं उलुन दानू, और ये देख लो सामने गणेश जी का दर्शन भी हो गया है। जय गणेश जी, गणपति बप्पा। अब पता नहीं यहाँ के लिए टिकट लगता है कि नहीं, पूछ लूंगा मैं, शायद टिकट लगता है वहाँ पे, देखो टिकट के लिए भी बना हुआ है। तो यहाँ मुझे टिकट परचेस करना होगा, 3 टिकट 225। अगर आप ये टेम्पल देखना चाहते हो तो 75,000 का टिकट है, जिसमें पर टिकट के साथ एक पानी का बोतल भी है। चलते हैं अंदर। ओके
तो देख लो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उलुंदानो बार्टन रेस्टो। ये भाई दुबई उलुंदानो टेम्पल है और यहाँ पे सीन क्या है ना, आपको टेंपल के अंदर एंट्री नहीं मिलता, बाहर से घूमो फोटोज क्लिक करो, अंदर यहाँ पे एंट्री का कोई सीन नहीं है। क्या बढ़िया लोकेशन है। फाइनली देख लो अभी मम्मी भी ज्वाइन की है, नहीं तो हर जगह क्या होता है मम्मी कार में रह जाती है नहीं तो रेस्टोरेंट में बैठना पड़ता है। ये फ्लैट सर्फेस है ना, इधर मम्मी जा सकती है तो जाते हैं। और देख लो भाई तगड़ा धूप है लेकिन अच्छा लग रहा है, ऊपर ना थोड़ा मौसम भी ठंडा है। और यहाँ भी देख लो गेट्स ऑफ हेवन बना हुआ है, साइज में थोड़ा छोटा है। बाली इंडोनेशिया पहला ऐसा जगह दिखा जहाँ पे फोटोज के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है, कल वाला लाइन से तो कमी है। तो आपने अगर बाली इंडोनेशिया सर्च किया होगा तो ये वाला टेंपल कभी ना कभी आपने देखा ही होगा जो जस्ट मेरे पीछे दिख रहा है। तो देख लो कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का, और ये क्या कमाल का लग रहा है भाई साहब। इंडियन लड़कियों से इतना प्यार, नाइस। यू आर फ्रॉम इंडोनेशिया? फ्रॉम इंडोनेशिया, ओके ओके। इंडिया कोलकाता, शाहरुख खान फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम कोलकाता। इंजॉय भाई। एक बात है, शाहरुख खान को यहाँ पे सब कोई जानता है, और कैसा लगा सेलिब्रिटी बन के यहाँ पे? उन्होंने देखा इंडियन लड़की तो उसके साथ में फोटोज लेने लगे। मतलब अभी तुम यहाँ पे फॉरनर हो ना इसीलिए। लेकिन फॉरनर तो हम भी यहाँ पे, मेरे को कोई नहीं बोला फोटोज लेने। पे बोट राइड भी होता है, पता नहीं टिकट प्राइस कितना देखना पड़ेगा मेरे को। पैडल वाला बोट भी है, स्पीड बोट भी है। अच्छा स्पीड बोट का 2 लाख रुपए, वही समझो 1000 रुपए। चल ले लेते हैं, मेरे पास इंडोनेशियन रुपया भी है, पैसा तो है मेरे पास देख लो। अभी हम अमीर है, मेरे पास अभी कितना मिलियन, 14 मिलियन है, 13-14 मिलियन है मेरे पास। तो यहाँ पे चलो 2 लाख रुपए। ऑल राइट, तो मैंने ये टिकट ले लिया देख लो 2 लाख रुपए का। अच्छा तो लगभग 1000 रुपए का मैंने ये स्पीड बोट लिया है, पता नहीं वर्थ है या नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। मैंने थोड़ा देर ड्राइव किया, भैया ड्राइव करेंगे। एक्चुअली ये क्या करते हैं, बीच में फोटोज वगैरह भी क्लिक करवाते हैं। अगर आपको फोटोज पसंद है तो आप जाओगे देखोगे फोटो चेक करोगे, पसंद आता है तो ले लो। For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. तो यहाँ पे भैया ने जो हमारा फोटोज लिया ना वो हमें अंदर मिलेगा। एक फोटो कितना बोला, 20,000 ना? 20,000 कितना होता है, मतलब 100-150 रुपया पर फोटोज, देखते हैं कैसा है। तो अभी देख लो अपना फोटो यहाँ पे प्रिंट करके देंगे, ये 20,000 पर फोटोज। तो मम्मी ये वाला जगह कैसा लगा? ये वाला सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट लगने का रीजन है क्योंकि मम्मी भी ये जगह एंजॉय कर पा रही है। अगर आप फैमिलीज के साथ आ रहे हो तो आप उलुंदानो टेंपल आ सकते हो, हाँ ये जरूर आना, अच्छा भी जगह है। मौसम थोड़ा अजीब हो रखा है ना, हमें कभी बारिश कभी क्या हो रहा है, कभी बादल नीचे आ जा रहा है। तो अच्छा जगह है, आप आ सकते हो यहाँ पे। बाकी लवली हम लोगों का सामान देख रही थी, मैं मम्मी का एक रील शूट करने गया था। ऑल राइट, तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल गए, जा रहे हैं तानालोट टेम्पल, जो की अभी भी यहाँ से 2 घंटा लगेगा। और मैडम देख लो लड़ झगड़ के सामने वाले सीट में बैठ गई। तो चलो कोई नहीं, जा कुर्बान कर दिया, जा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अरे हमको दो ना, सब चीज जब मेरे को देती हो उसके पहले छीन लेते। और तुम जो मेरा परसों से घड़ी छीन के रखी, हम कुछ बोले उसके लिए? तो ऐसा कौन से किताब में लिखा हुआ है कि तुम अपना वॉच भूलोगे, मोहित का ही वॉच पहनना होगा। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कम से कम यहाँ से 2 घंटा लगना चाहिए। तब तक मैं अपना एडिटिंग कर लेता हूँ थोड़ा। ओके चलो जी, अभी हम लोगों ने लिया है यहाँ पे कॉफी ब्रेक, कॉफी।
having coffee, tea, and also chocolate in here. And this place, we make a luwak coffee. You know about the coffee? Yeah. From the animal. So, अंदर की तरफ जाना होगा हमें, देख लो. Animal we call luwak. They eat the coffee beans and then poop out. Okay. And we collecting that to make this is. Like a special coffee in here. तो इनके पास तो बहुत सारे वेराइटीज का कॉफी, टीस, बहुत कुछ है. तो देख लो यहाँ पे मेरा कॉफी आ गया है किसी एक एनिमल के थ्रू. दिखाऊंगा मैं वो एनिमल को, उसको खाने के लिए देते हैं, फिर उसके पूप के थ्रू जब वो कॉफी निकलता है. थोड़ा ज्यादा प्रोसेस नहीं बताऊंगा मैं, वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा. बाकी हाँ, ये कॉफी मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो भी देख लो. इसको थोड़ा प्रोसेस करने का तरीका बहुत डिफरेंट है और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है. एक वेनिला, एक मोका, मैंने ये अपने ले लिया है. चलो देखते हैं फर्स्ट टाइम ट्राई करके कैसा है. थोड़ा सा ना इसमें कैसे बोला तो मट्टी मट्टी वाला एक स्मेल है. सोनापन. हाँ, सोनापन सही आप बोल सकते हो. इसके लिए 60,000 रुपया मुझे पे करना पड़ेगा. इनका एक ऐसा स्टोर भी है यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने ये वेनिला चॉकलेट लिया है पाले का, 1,25,000 का, 600 रुपया. अच्छा, कुछ ऐसा होता है. देखो लुवक, अभी मैंने इसी का बना हुआ कॉफी पिया. इसी का नहीं, मतलब इसके थ्रू बना हुआ कॉफी. तो इनका जो कॉफी बनाने का तरीका है वो यहीं पे बनाते हैं कॉफी. अच्छा, so this is comes out from the animal. तो देखो वो जो मैंने अभी दिखाया ना, उसका ये पूप है. फिर इसको ये लोग क्लीन करते हैं, ऐसा होता है. उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है ये, फिर ये लोग इसको वॉश करते हैं. अच्छा, वॉश करने के बाद फिर ये रोस्ट करते हैं उसको वहाँ पे. कॉफी प्रोसेसिंग एकदम ऑर्गेनिक तरीके से होता है. कोई भी देख लो ऐसा एडवांस मशीन नहीं है इनके पास. और जब तक ये ऐसा कलर का नहीं हो जाता तब तक ये भूनते रहते हैं. नाइस. ओके, तो लुवक को यही खाने के लिए. तो देखो लुवक को ये रेड बीन खाने को देते हैं, तो यही खा के वो पूप करता है. तो फिर उसका हम लोग कॉफी बनाते हैं. चलो जी, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तानालॉट. वहां से एंटर करते ही आपको कार के लिए भी पार्किंग देना पड़ता है, 5,000 रुपए पर पर्सन, 60,000 करके. टोटल 1,85,000 लगा है इंडोनेशियन रुपया. ये एंट्रेंस है यहाँ का. अभी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में, अब कितना वॉकिंग करना होगा ये नहीं पता. यहाँ पे अपना टिकट चेक करवाना पड़ेगा. पूरा लुहूर तानालॉट, ये पूरा मार्केट भी लगा हुआ है. यहाँ पे काफी सारा देख लो यहाँ का लोकल सामान सब मिल रहा है, जैसे कि ये पर्स वगैरह. तो यहाँ पे आप फोटो ब्रेक ले सकते हो. बाकी ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है. लो जी, अभी तानालॉट टेम्पल के अंदर तो आ गया हूँ मैं. वहां तक मुझे जाना होगा, तब वो कमाल का व्यू मिलेगा मुझे. भाई साहब ये देख लो, ये अलग ही है भाई, ये अलग ही है. ऊपर जाकर काफी बढ़िया फोटोज आएगा, तो ऊपर जाते हैं. देख लो वहां से ना काफी कमाल का फोटोज आएगा, तो उसके लिए हमें वहां जाना पड़ेगा. ये कमाल का है, ये कमाल का है. लेकिन थोड़ा बच के भी रहना होगा. यहाँ पे देख लो रेड फ्लैग लगा हुआ है, काफी हाई तक यहाँ तक आ रहा है पानी. भीग भीग ना जाए कहीं. भाई साहब ये अल्टीमेट है, ये एक्सपीरियंस अल्टीमेट है. यहाँ आना तो बनता ही है. यहाँ पे वेव बहुत ही खतरनाक है भाई, मतलब कहीं लग रहा है ऊपर तक ना आ जाए. और कुछ ऐसा नजारा है देख लो भाई, वो जगह तो कमाल का था, मजा आ गया जाकर. और देख लो यहाँ पे किस टाइप का पतंग उड़ा रहा है, ऐसा पतंग मैंने कभी नहीं देखा था. इसका सेप भी अलग है. एक और पॉइंट था वो राइस फील्ड वाला, जो हम लोगों ने स्किप कर दिया. वीडियो भी एडिट नहीं हुआ है, इसलिए भागना पड़ेगा मुझे रूम. चलो जी, सारा घूमना फिरना हो गया है. थैंक गॉड हम लोग थोड़ा इंडिया से आगे चल रहे हैं ना टाइम में, तो थोड़ा हमारे पास टाइम रह जाता है. लाइक मैं हमेशा 2 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ. एडिटिंग मैंने कार में भी थोड़ा बहुत एडिटिंग कम्प्लीट किया है, थोड़ा और बचा हुआ है, इसलिए मैं जा रहा हूँ रूम. तो वो जो विला वाला व्लॉग है उसको मैं अलग रखूंगा, ताकि आप लोगों को बाली का विला भी दिखा पाऊँ. वैसे तो बाली में काफी अच्छा अच्छा विला है. फिलहाल ये वीडियो को आप ज्यादा लंबा नहीं करते हैं. होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना. और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा. चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय. Yeah, get it for rap, for rap, for rap.